ट्रैवलर्स, ये कराची जिम खाना और यहाँ से सीधा रोड जाएगा सुल्तानाबाद PIDC, ये राइट पर मेरा कराची जिम खाना है, ये राइट कराची जिम खाना और यही रोड आगे कमिश्नर हाउस, कमिश्नर लेफ्ट पे कमिश्नर हाउस और ये, और उसके बाद ये कमिश्नर हाउस आ गया, कमिश्नर हाउस और यही आगे रोड जो है वो जा रहा है मेरे राइट पे पड़ेगा PC चीफ सेक्रेटरी हाउस। यहाँ के यहाँ पर आएँ और पान ना खाएँ तो मज़े ही नहीं आएगा। ये राइट साइड पे लेफ्ट पे और ये PIDC का ब्रिज कहलाता है, किसी उतरते ही सुल्तानाबाद आया था, ये सुल्तानाबाद का ब्रिज है, ये PIDC ब्रिज भी कहते हैं, सुल्तानाबाद के ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज हमने क्रॉस किया, ये ब्रिज से हम लेफ्ट को होंगे, लेफ्ट को मुड़ेंगे, आपको आज दिखाते हैं कि हम कहाँ पे आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हसन खलील, आपके अपने चैनल लाइव विद हसन खलील के साथ। व्यूअर्स, इस समय मौजूद हूँ सुल्तानाबाद और सुल्तानाबाद में एक बहुत ही पुरानी फर्नीचर मार्केट है और ये वो फर्नीचर है जो कि कैन कहलाता है और इस फर्नीचर को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये फर्नीचर कहाँ गया और अब कहाँ बन रहा है। ये हम सुल्तानाबाद पर मौजूद हैं, चलें आपको ये दुकान का विज़िट भी कराते हैं और थोड़ी मालूमात भी लेते हैं। वर्ल्ड वुड के नाम से एक शॉप है, इधर भी आए हम लोग, थोड़ा विज़िट करते हैं इनके पास क्या क्या है, क्या सामान रखा हुआ है इन्होंने, चलें अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको क्या क्या रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दुकान में आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी दो चार बैठे हैं, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आप कुछ बताएंगे इस फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर बेसिकली कराची में, यहाँ पे ये सुल्तानाबाद मार्केट है और ये बड़ी मशहूर बहुत पुरानी मार्केट है केन फर्नीचर। यहाँ पे अब कुछ दुकानें रह गई हैं, हम तो ये काम कर रहे हैं लेकिन ये है कि हम अब खुद इसके रिवाइवल के पीछे हैं और ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, बेसिकली वाटर प्रूफ फर्नीचर होता है, ये आउटडोर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इनडोर भी इस्तेमाल होता है और इसमें आपको हर तरह की डिज़ाइंस और वैरायटी आपके पास आप बना सकते हैं कस्टमाइज, और ये फर्नीचर ख़राब नहीं होता कभी, ये अगर इसकी मेंटेनेंस जो है ना वो भी आपको इतना ख़र्चा नहीं आता, अगर आपको कोई भी इसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है तो उसका एक जो ख़र्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पॉलिश होती है। रैक्स होते हैं, इसमें लोग घर में किताबें भी रखते हैं और दूसरा अपने जो आइटम्स होते हैं वो भी सारे रखते हैं किसी तरह डेकोरेशन के, और ये छोटे हैं, ये साइज़ में बड़ा है, ये तकरीबन एक रैक जो है इस टाइम मार्केट में इसकी कीमत 8,000 तक है और ये हम ये तो अभी इस कंडीशन में पड़े होते हैं लेकिन हम प्रॉपर पॉलिश करते हैं इसको और इसको जो है जिस तरह भी आपका डिज़ाइन होगा कस्टमाइज कोई भी ऑनलाइन सिर्फ डिज़ाइन आते हैं, और ये तकरीबन इसकी प्राइस जो है इसकी स्टैंड के साथ जो होती है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 तक की रेट पे है। ठीक है, रियायत वगैरह होगी इसमें? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल, अगर आएंगे आपके रेफरेंस से तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की बास्केट्स हैं जो कि लोग गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, घरों में भी रखते हैं और फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, और इसमें ये भी बास्केट्स होती हैं, ये आप डस्टबिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये देख लें, और ये हमारे पास ये जो है ये प्लास्टिक में भी हम यही डिज़ाइन बनाते हैं, ये सारी, ये एक तो लाइट वेट होती हैं, दूसरा ये होता है कि वाटर प्रूफ होती है, ख़राब नहीं होती। तो ये जो है ये तकरीबन सेट है, ये 1500 रुपये का सेट मिलता है, ये 1500 का सेट मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा जो है ये वाली ट्रेस, ये फ्रूट की ट्रेस होती है, इसके अलावा हमारे पास ये लैंप्स होते हैं, शेड लोग बाहर पे लगाते हैं, और ये जो है ये क्या कहते हैं लोग अपने गार्डन्स में मोस्टली लगाते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वुड के नाम से शॉप है,
ये सुल्तान आबाद जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऊँट की मार्केट है पूरी, और ये सामान सारा झूले वगैरह, रिलैक्सिंग चेयर, इसकी रॉकिंग चेयर बड़ी खूबसूरत बनी हुई, सामान रखा हुआ सारा। ये जी जो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ये सारा हैंड मेक है दोस्तों, ये सारा हैंड मेक और ये हाथ से बनाया जाता है सारा। और ये हमारे पास रतन का काम हो रहा है, और ये सारी जो बुनाई आप देख लें, ये लकड़ी के फ्रेम पे, कराची में मोस्टली नमी ज़्यादा होती है तो लोहे से ज़्यादा लकड़ी का फ्रेम इस्तेमाल होता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये कारीगर जो होते हैं ये सारा हाथ से काम करते हैं, इसमें कोई मशीनी काम नहीं होता, सारा का सारा हाथ का काम होता है। और इसकी फिनिशिंग भी आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये सारी सोफे बन रहे हैं, टेबल्स बन रहे हैं, ये देख लें। और ये हमारे पास ये देखें 3 सीटर सोफ़ा बन रहा है ये। और ये जो तार है ये सिंथेटिक रतन कहलाती है, ये वाली, ये मैन मेड तार है ना, एक एक में नेचुरल तार आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये सारा जो है ये सिंथेटिक रतन है। ये देखें, ये केन का फ्रेम बना है, अभी इसको हम ये झूला बना रहे हैं, इसकी फिनिशिंग होगी। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखिए ये झूला देखें, ये आप बैक साइड पे हैं ना, आपके यहाँ पे आप ये देखें, ये 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 झूला बन रहा है सारा फ्रेम के साथ, इस तरह का ये सारी जो है ये केन में बनेगा, इसमें ये सारी डिज़ाइनिंग होती है, फिर इसके साथ कुशन लगता है। तो ये अभी अभी बन रहा है, अभी इसमें टाइम लगेगा, इसकी मैनुफैक्चरिंग झूला है ये। और ये जो है माशाल्लाह से आप देखें, आप इसमें बैठेंगे ना, बैठे 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 कुछ नहीं होता इसको, बैठें हाँ। और ये देखें, ये मतलब इजीली जो है 200 kg तक वेट सपोर्ट करता है, और ये भी इन प्रोसेस है, बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको कलर्स वगैरह होगा, इसके साथ कुशन होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ सारा कारखाना है, मैनुफैक्चरिंग हमारी अपनी है। मेन जो इसका सारा जो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है, ये हमारे पास ये रिजवान भाई हैं, तो ये करते हैं। और ये माशाल्लाह से इसकी सारी बेंडिंग वगैरह जो है वो सारा आग से होती है, वो आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। रिजवान भाई, कोई इनको फ्रेम, एक जो केन का फ्रेम है उसको टेढ़ा करके बताएं कि कैसे ये बेंड होता है। अच्छा, ये नेचुरल तार है रतन की, वो प्लास्टिक वाली तार थी, ये रतन की तार है नेचुरल। ये आप तार देखें, ये जो मटेरियल है ये सारा बाहर से आता है, और ये जो है सारा हाथ से ये सारा काम होता है। ये देखिए आप, और नीचे इसका फ्रेम आप देख लें, ये मतलब है कि आप उसको खुद ही आइडिया हो जाएगा इससे कि ये कैसे इसका काम हो रहा है ना। तो वो ये बेसिकली सारा हाथ से काम होने वाला काम है, इसमें कोई मशीन, यहाँ पे इसके स्टैंड, इसके फ्रेम, ये सारे हम खुद बनाते हैं। और फिर इस पर हम डिफरेंट कलर्स की बुनाई करते हैं तार की, इसमें ब्लैक कलर भी होता है, इसमें वाइट भी होता है, इसमें और भी अंदर कलर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये जो है देखें, ये सारा हम जिस कलर का स्टैंड चाहिए होता है उस कलर का हम स्टैंड कलर कर देते हैं। और ये आप देख लें, इसमें डबल भी हैं, सिंगल भी हैं, वो आपके पास वाइट में देखें वहाँ पे डबल में, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो लोगों के लिए होता है, और ये हमारे पास यहाँ पर रेगुलर बन रहे होते हैं इस वक्त जो है ना कराची में, मतलब ये बेसिकली हमारे पास मैनुफैक्चरिंग होती है जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स होते हैं, उसमें कुछ सामान हमारे पास, ये हमारा बेसिकली कारखाने का सेटअप है, इसकी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे पड़ी हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें सोफ़ा सेट्स भी हैं, इसमें चेयर्स भी हैं, इसमें आपके पास झूले आप देख लें, दूसरा कस्टमाइज हमारे पास चेयर्स होती हैं वो भी बन रही हैं सारी। और इसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट किस्म की बास्केट्स बन रही हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये केन में हमारे पास ये लोहे के फ्रेम पे चेयर्स बन रही हैं, और आप स्टूल्स भी बनते हैं हमारे पास, ये देख लें डिफरेंट किस्म की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर बन रही होती हैं रेगुलर, इस सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है आप हमारे पास हर तरह का आउटडोर का फर्नीचर का कंप्लीट, देखिए लकड़ी का बना हुआ, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। वहीद भाई, मैंने थोड़ा नोट किया कि रेट इसके क्यों आई है, क्या वजह है इसकी? बेसिकली एक तो देखें, ये मटेरियल बाहर से आता है, दूसरा ये मजदूरों के हाथ का काम है,
कोई मशीनें काम नहीं है, तो मज़दूरों की मजदूरी भी होती है। फिर इसके अलावा जो है ये जो कारीगर हैं इसके, ये ख़ुद एक हुनरमंद लोग हैं, तो इन लोगों के बेसिकली सीधी सी बात है हम भी उसके हुनर का इज्जत करते हैं। और ये जो काम है, एक तो इसकी मजबूती बहुत है, लाइफ बहुत होती है इन फर्नीचर की, तो ये है कि हमारे पास भी जिस तरह की कॉस्टिंग आ रही होती है तो हम उसमें 5-10 हज़ार रुपये अपने रखते ही रखते हैं, क्योंकि हमारे किराए भी होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने विज़िट कराया कारखानों का यहाँ पर सारे मार्केट का सुल्तानाबाद का। तो ये आपसे भी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो के तवज्जो से जो भी लोग आते हैं उनके साथ आप रियायत भी करेंगे, तआवुन भी करेंगे, और आप अपना मुकम्मल एड्रेस भी समझा दें, टेलीफोन नंबर भी इस पर दे दें। और ये बताइए कि अगर मैं अगर पंजाब वगैरह मंगाना हो किसी ने, तो उसका भी क्या सहूलत है या नहीं आपके पास? हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का, और मैं सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो आपने मुझे सवाल किए हैं कि ये जो सुल्तानाबाद है, बहुत ही जो हमारी KMC फर्नीचर मार्केट है, मेन सेंटर है कराची का। आप PIDC किसी को भी पता है, PIDC आप पूछें, PIDC के पास ही KMC फर्नीचर मार्केट है। गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हैं इसको, तो ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जितना सामान बनता है पूरे पाकिस्तान में जाता है, तो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। आपको कोई भी केन का, रतन का फर्नीचर आउटडोर का चाहिए हो, तो आप यहाँ से परचेज हमसे कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पे डिलीवरी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, कार्गो सर्विस मौजूद। मेरा मोबाइल नंबर आप कर लें 03212512600। आप हमें जो है